अरे राती बंधु, आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज हम कामिका एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही कामिका एकादशी कहती हैं। भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा था श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही कामिका एकादशी है। इसका महात्म्य लोकहितार्थ एक समय देवऋषि नारद ने पितामह से पूछा था। उन्होंने इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की महिमा को कहा था। पृथ्वीदान, स्वर्णदान, कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल बहुत अधिक है। कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल है। जो मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु पर एक दल तुलसी का चढ़ाओ तो एक भार स्वर्ण और चार भार चांदी दान करने का फल मिलता है। बढ़िया वस्त्र व अमूल्य आभूषण पर भगवान इतने अधिक प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है। भगवत चरणों में जो तुलसी दल अर्पण करता है उससे अवश्य मुक्ति मिलती है। इसका महात्म्य इस कथा को सुनने से मनुष्य यशवान हो जाता है। बोलो एकादशी महारानी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, तुलसा महारानी की जय हो, और लास्ट में शिव शंकर भगवान की जय हो। बिना शंकर भगवान के तो कोई भी पूजा अधूरी ही है, और विष्णु भगवान के प्रिय शंकर भगवान हैं तो उनको भी कोटि कोटि प्रणाम है। राधे राधे बंधु, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर जरूर करना। गाइस आप सब्सक्राइब के बटन भी क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना, ऐसे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।